दरअसल सिरसा जिले के गांव में सिमग्रस्त क्षेत्र की समस्या का समाधान के लिए सीएम मनोहर लाल ने 2019 में घोषणा की थी। वहीं सिमग्रस्त इलाके के लिए सीएम ने करीब 100 करोड़ की राशि को मंजूर की थी, जिसको लेकर किसानों ने सीएम का धन्यवाद करने पहुंचे थे। इस मौके पर बीजेपी के नेता गोविंद कांडा और जगदीश चोपड़ा मौजूद थे। रिपोर्ट देखें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले के सिमग्रस्त क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। सिमग्रस्त प्रभावित इलाके में 20 साल से बंजर हो चुके जमीन अब खेती की फसल लहराती हुई नजर आएगी। हरियाणा सरकार ने सिमग्रस्त इलाके के समाधान के लिए करीब 100 करोड़ की राशि मंजूर की है। इसी के चलते सिरसा जिले के सिमग्रस्त इलाके के किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के नेता गोविंद कांडा और जगदीश चोपड़ा भी किसानों के साथ मौजूद थे। सीएम से मुलाकात के बाद गोविंद कांडा ने कहा कि सिरसा जिले के लिए बड़ी सौगात सीएम ने दी है। ऐसा था, हमारे जो सिमग्रस्त इलाका है लगभग 30 सालों से इफेक्ट था और करीबन 20,000 एकड़ भूमि जो बंजर पड़ी थी। हमारे सीएम साहब सिरसा दौरे पे थे जब, तो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी उस टाइम 2019 में कि हम ये सिमग्रस्त इलाका ठीक करेंगे और इसको सिमग्रस्त को खत्म कर देंगे। वो अब हल हो चुकी थी, लगभग उस पर 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक वर्टिकल सिमग्रस्त का उनका कोई नाम दिया प्रोजेक्ट का, उन्होंने देकर वो एक ट्यूबवेल बोरवेल ट्यूबवेल लगाकर उस पानी को सेम नाले में डाला गया है। तो वो तीन चरणों में पूरा होगा। अभी 4 गांवों में काम शुरू हो गया था, उसके बाद 10 गाँव है, उसके बाद जो बकाया 5-6 गाँव 17 गाँवों की स्कीम है, तो लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च आएगा। तो उसके बाद उस भूमि पर सभी प्रकार की फसलें होनी शुरू हो जाएगी। तो उसी के लिए आज उस गांव के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने, धन्यवाद करने आए थे कि उन्होंने हमें रोजी रोटी, हमें बच्चों का पालन पोषण, जो उन्होंने हमारी सुरक्षा की है, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही गोविंद कांडा ने कहा कि सिरसा के लिए घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2019 में की थी और इसके ऊपर अब काम शुरू हो गया है। पहले चरण में कई ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं। बिल्कुल, बहुत संतुष्ट है। उन्होंने जब प्रोजेक्ट देखा है कि पानी निकलना शुरू हो गया और भूमि ठीक होने लगी है, उसके बाद ही वो आज प्रोजेक्ट, ये जो पहले चरण का जो प्रोजेक्ट है वो तो थोड़े ही समय में पूरा होने वाला है और जमीनों में इफेक्ट शुरू हुआ है। इसीलिए आज लगभग 30-35 जमींदार, गाँव के सरपंच मेंबर, वो सभी आज यहाँ आए हैं और उन्होंने सीएम साहब का आभार प्रकट किया है। सिरसा जिले के कुछ गाँव सेम की चपेट में, इसी के चलते वहाँ की भूमि जो है बंजर हो चुकी थी, लेकिन सीएम मनोहर लाल से सिरसा क्षेत्र के लोग गुहार लगा रहे थे और मांग कर रहे थे, जिसके बाद सीएम ने क्षेत्र के लिए समस्या का समाधान का आश्वासन दिया था। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के बाद, धन्यवाद करने के बाद किसानों से जनता टीवी ने खास बातचीत की। क्षेत्र की समस्याओं के समाधान होने से किसान काफी खुश नजर आए। सुनिए। सिरसा जिले के कुछ किसान आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले हैं और ये किसान बीजेपी के नेता गोविंद कांडा और जगदीश चोपड़ा के साथ यहां पर पहुंचे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। क्यों ये मुख्यमंत्री से मिले हैं, किस लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है, इन तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे इनसे जानेंगे कि इनकी क्या बातचीत मुख्यमंत्री से हुई है, मुख्यमंत्री से इन्होंने क्या जो है वो मांग रखी है। आज आप लोग जो है वो सिरसा से यहाँ पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से, किस मुद्दे पर आप मिले हैं? जी पवन जी, सबसे पहले तो मैं आज सब मीडिया साथियों का आपका धन्यवाद करता हूं और आज हम विधानसभा एलनाबाद लोकसभा सिरसा के मौजूद लोग यहां मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। आज हम जो 25 साल से हमारे चोपटा क्षेत्र की सिमग्रस्त इलाके की जो समस्या थी, इस समस्या को संदर्भ में देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में करीब 100 करोड़ रुपये हम किसानों की थी बंजर बन चुकी थी, उन ज़मीनों पर आज फिर से किसानों के चेहरे जो खुशहाल हैं और सभी किसान साथी यहाँ आए हैं और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने माननीय 4 गांव में जो ट्यूबवेल जो लग चुके हैं सौर ऊर्जा से, वो चालू अवस्था में हैं और इसके साथ साथ इन किसान भाइयों ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। आप बताइए कि ये जो ट्यूबवेल लगाकर जो सिमग्रस्त इलाके को सेम मुक्त करने की जो तैयारी कर रही है सरकार, जो 97 करोड़ रुपए करीब सरकार ने मंजूर किए हैं, इस प्रोजेक्ट से लोगों को राहत मिलेगी? आज आप मुख्यमंत्री से मिले, क्या बातचीत हुई?
बिल्कुल राहत मिलेगी जी। इसका सेम का एकमात्र समाधान ही ट्यूबवेल लगा के और उसका पानी निकासी करना है, क्योंकि ये चीजें पहले जो लोगों ने अपने खेतों में ट्यूबवेल लगाए थे पानी के लिए, जो खेतों में पानी देने के लिए ट्यूबवेल लगाए थे, वहां भी सेम थी और वहां अब पानी का जो जल स्तर है वो 20 फीट गहरा चला गया है। तो इससे हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर अंदर यहां भी जो पानी का स्तर है वो 15-20 फुट आराम से चला जाएगा। आप बताइए, मुख्यमंत्री से मिले हैं, संतुष्ट हैं सरकार जो उस क्षेत्र में सेम को बाहर निकालने के लिए यानी सेम मुक्त करने की सरकार तैयारी कर रही है, उसमें मदद मिलेगी किसानों को? किसानों को मदद मिलेगी। सबसे पहले तो मैं एक नागरिक होने के नाते मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं पहली बार यहां सीएम हाउस पहुंचा, उन्होंने बड़े आदर भाव से हमें बिठाया, चाय पानी खाने का पूछा, गांव में माहौल कैसा है, सब राजी खुशी है। फिर वो पहले गए हुए भी जमाल की तरफ, वो सेम के अंदर मोगो जी बोरिंग चल रही है, कुछ गांवों में बोर लग चुके हैं, कुछ गांवों में बोर लग जाए। हमारे साथी चेयरमैन साहब ने बताया कि बोर ही एक समाधान है जिसका पानी सेम नाले में डाल के ही सेम की समस्या का हल किया जा सकता है। आज 15-20 गांवों के हम लोग चोपड़ा साहब के, कांडा साहब के साथ, चेयरमैन साहब के साथ, नागर जी के, हम इकट्ठे हो गए सुबह और चले भी सीएम हाउस से, टाइम लिया सीएम हाउस पर चलेंगे। मुलाकात हुई, आप ये मानते हैं कि ये सरकार ने जो 97 करोड़, 98 करोड़ रुपए दिए उससे मदद मिलेगी किसान? हाँ, इससे पूरा हमें विश्वास हो रहा है कि मदद मिलेगी, सेम की हमें निजात मिलेगी, इन लोगों की दोबारा फसलें उगनी शुरू हो जाएगी, वो घर आबाद हो जाएंगे। आप मानते हैं कि ये जो सरकार जो स्कीम लेकर आई है सेम निकालने के लिए, इससे मदद मिलेगी? निश्चित तौर पर हमें इससे मदद मिलेगी, क्यों, पानी का निकासी का एकमात्र साधन ये चूस के बोर लगा कर ये सेम में डालने से ये पानी की समस्या हल हो जाएगी, खेती दाना देने के काबिल हो जाएगी। ये जो बंजर हो चुकी है सिरसा जिले की जो कुछ सेम की वजह से जो जमीन, आपको लगता है कि अब उस जमीन पर जो है वो खेती कर पाएंगे आप जो सरकार? होगी जी, खेती हो जाएगी और इससे समाधान भी हो जाएगा। पानी जमीन से ऊपर है, वो नीचे से निकालने से वहाँ फसल बन जाएगी। तो ये सिरसा जिले के कुछ किसान आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले हैं और मुख्यमंत्री ने, हरियाणा सरकार ने जो सिरसा जिले के लिए सेमग्रस्त इलाके के लिए जो करीब 97-98 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं उसके चलते इन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। और इन किसानों का भी यही कहना है कि सरकार ने जो ये योजना सिरसा जिले के सेमग्रस्त क्षेत्र के लिए शुरू की है उससे उन्हें मदद मिलेगी, उनकी जो बंजर भूमि बन चुकी है उस पर वो दोबारा से खेती कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।